दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी दिल्ली, केरल और जम्मू समेत कई राज्यों में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जहां सिनेमा हॉल खुले हैं, वहां वायरस के डर से ज्यादातर लोग सिनेमा हॉल जाकर मूवी देखने से बच रहे हैं। इससे मल्टीप्लेक्स मालिकों को भारी नुकसान का डर सता रहा है। हाल ही में दिल्ली NCR में लगभग 10 से 12 फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया है। ऐसे में हॉल को बंद करने से इन सभी फिल्मों के व्यवसाय पर असर पड़ेगा। हॉल मालिकों के मुताबिक अगर सिर्फ दिल्ली में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल बंद रहते हैं तो करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिल्ली बहुत बड़ा बाजार है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में दिल्ली NCR भारत के टॉप शहरों में से एक है। हाल ही में रिलीज हुई शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और थप्पड़ जैसी फिल्मों ने सबसे ज्यादा मुनाफा दिल्ली से ही किया है। ऐसे में दिल्ली में सिनेमा हॉल बंद होने से इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। PVR सिनेमा के प्रवक्ता का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते सरकार के सिनेमा हॉल बंद रखने के फैसले का हम सम्मान करते हैं, हालांकि इससे बड़ी तादाद में नुकसान होगा। PVR ने नुकसान के आंकड़े देने से मना कर दिया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के डर से लोग फिल्म देखने जाने से बच रहे हैं। ऐसे में कई मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर नुकसान झेल रहे हैं। चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में कोरोना वायरस की वजह से पहले से ही सिनेमा हॉल बंद है, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्मों की ग्लोबल कमाई पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन घरेलू स्तर पर सिनेमाघर बंद होने से अपकमिंग फिल्मों की कमाई पर बेतहाशा असर पड़ सकता है। दिल्ली NCR में दर्शकों की संख्या में करीब 30-40% तक गिरावट आई है। ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म बुक माई शो की ओर से कहा गया है कि हम कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य से चिंताओं को समझते हैं और सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि बुक माई शो ने भी नुकसान की संभावना जताई है। 13 मार्च को इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म की कमाई को नुकसान पहुंचना तय है। इसके अलावा 20 मार्च को अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार और 24 मार्च को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन बड़ी फिल्मों पर इसका असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले महीने 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 83 की रिलीज भी टल सकती है।